तो देखो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था भाई स्ट्रेटेजिक फाइनेंस का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, हमारे तीन ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना। क्या था, कॉस्ट को कॉस्ट रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, ये किस कॉस्ट की बात हो रही थी, फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, कौन सी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। अभी फाइनेंशियल कॉस्ट से मुराद होती है, देखो हमारे पास जब भी फंड्स हमारे पास कम होंगे तो हमें उन फंड्स को एक्वायर करना पड़ेगा, एक्वायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट जा रही होगी, समझे। हम क्या करेंगे, फंड्स अगर हमारे पास जी सर, फंड्स की शॉर्टेज होगी तो हमें फंड्स एक्वायर करने पड़ेंगे, फंड्स एक्वायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट जा रही होगी। अभी कॉस्ट किस तरह से है, ये हमारे पास दो फॉर्म में हो सकती है। कौन कौन सी थी हमारे पास, एक था हमारे पास डेट की फॉर्म में, उधार ले ले अगर हम किसी से, ठीक है, और दूसरे क्या था हमारे पास, इक्विटी फॉर्म में। तो देखो भाई अगर मैं किसी से उधार लेता हूं तो इसकी कॉस्ट क्या जा रही होगी, इस पे हमें इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट भी लगेगा सर, और मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल उधार लूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना पे होगा, करना होगा। इसी तरह से अगर मैं इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, मैं शेयर्स इशू कर दूं। देखो ये कॉस्ट क्यों है, अगर मैंने शेयर इशू किए हैं तो वो तो हमारे पार्टनर बन गए, एक तरह से पार्टनर हो गए ना, हमारे कंपनी के ओनर हो गए। तो जी सर, ये कॉस्ट क्यों है, क्योंकि भाई हमें उनको क्या देना है, हमें उनको देना है डिविडेंड। क्या देना है, हमें ठीक, डिविडेंड देना है। तो इसमें डिविडेंड, दोनों क्या है, अगर मैं उधार लेता हूँ किससे तो भी मुझे इंटरेस्ट देना है, कॉस्ट है, और अगर मैं किसी को शेयर इशू कर देता हूँ तो भी मुझे उस पर डिविडेंड देना है, तो ये भी मेरी कॉस्ट है। तो दोनों क्या बिल्कुल है, ये दोनों की दोनों मेरी कॉस्ट हैंगी। हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मिनिमम करना है। क्या करना है, ठीक कॉस्ट है, को रिड्यूस करना है, रिड्यूस मिनिमम। करना है। अब डेट का प्रॉब्लम क्या है, डेट का प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे इंटरेस्ट देना है, मुझे हर साल बिल्कुल इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना, और एट द एंड में क्या करूंगा, जब वो टाइम पीरियड आएगा तो उसमें मैं उसकी पूरी की पूरी पेमेंट वापस कर रहा हूँ। ठीक है, इक्विटी का प्रॉब्लम क्या है कि इससे मुझे डिविडेंड देना है, ठीक है, मगर इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका फायदा क्या है कि भाई अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। डेट का दूंगा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, डिविडेंड तो देना ही देना, वो इंटरेस्ट तो देना ही देना है एट एनी कॉस्ट, समझे। इक्विटी का फायदा क्या है, इक्विटी का फायदा क्या है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हो, दूंगा, नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा दूंगा। तो ठीक है, अपनी जेब से मेरे से नहीं जा बिल्कुल रहा, प्रॉफिट हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। मगर डेट का प्रॉब्लम क्या है, डेट का प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अगर मैं कभी भी डेट इश्यू करूंगा तो उससे मुझे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चूज करना है बिटवीन किसके, डेट के और इक्विटी के। डेट वाले क्या होंगे, डेट वाले एक सर्टेन टाइम पीरियड तक तो मेरे पास होंगे, मैंने उनकी पेमेंट कर दी, अब वो फारिग, टाटा बाय बाय, घर जाऊं, अब मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं है। मगर जो इक्विटी वाले हैं वो सारी जिंदगी मेरे सर पे बैठे रहेंगे। अब यस मैं सर, क्या करूं, अब मैं करता ये हूं, डेट पे मुझे एक फायदा मिलता है। वो फायदा क्या मिलता है, याद करो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, इनकम स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास, नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया लेस एक्सपेंसेस। उस एक्सपेंसेस के अंदर सर आपके पास था इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या था, जी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस, याद रखो जितना एक्सपेंस बढ़ेगा, जितना एक्सपेंस बढ़ेगा आपका टैक्स कम होता जाएगा, जितना एक्सपेंस बढ़ेगा टैक्स कम हो जाएगा। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास, मेरे पास जो नेट सेल है वो आ रही है 5 लाख की। ठीक है, कॉस्ट लेट सपोज मेरी आ रही है 3 लाख की, तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 2 लाख का मेरे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैंने कहा लेट सपोज बिल्कुल इसके ऊपर मेरे पास जो एक्सपेंसेस लगे हैं, अब इस पे जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो लगे हैं मेरे पास लेट से के 50,000 के, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो लग जाएगा मेरे पर कितने का, 1.5 लाख पे लग रहा होगा। ठीक लाख सही, है, 1.5 लाख का लग रहा होगा। तो
तो मेरे पास जो टैक्स लगना चाहिए वो कितने पे सही। लगना चाहिए? वो इस 1.5 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना है, और सॉरी ये आगे 1.5 लाख, अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास इंटरेस्ट जीरो है, तो टैक्स कितना बनेगा? 30% अगर हम लें तो 1.5 लाख का 30% कितना हो गया? 45,000। इतना ही हुआ ना, तो नेट इनकम कितनी आ रहेगी मेरे पास? 1,10,000 की आ रहेगी। क्लियर है? देखो नेट सेल कितने की थी? 5 लाख की थी, यस कॉस्ट मेरी थी 3 लाख की थी, तो प्रॉफिट कितना हो गया मुझे? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसमें से 50,000 मैंने एक्सपेंस के माइनस किए, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इतना आ गया, 1.5 लाख का आ गया। इसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है, और वो कितना हो गया? वो भी 1.5 लाख ही रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1.5 लाख पे मैंने 30% टैक्स लगाया, तो 45,000 निकल आया, तो मेरे पास इनकम कितनी आ गई? 1,10,000 की निकल आई, ठीक है। मगर अगर मैंने क्या किया था, डेट फाइनेंसिंग की हुई होती, देखो 1,10,000 मेरे क्या निकला है? प्रॉफिट निकला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस पे हो रही होगी? वो इसी अमाउंट पे अकॉर्डिंगली हो रही होगी। किसके अकॉर्डिंगली हो रही होगी? इसी 1,10,000 की अमाउंट की बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो इसी बेस पे हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम लेट सपोज अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिनेरियो यही है, और हमने क्या किया हुआ है, इसको इक्विटी से नहीं, हमने सिर्फ डेट से फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, और उसका मेरे पास जो डेट वो जा रहा है इंटरेस्ट, वो जा रहा है लेट सपोज के 50,000 का मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया मेरे पास? 1 लाख का हो गया। प्रॉफिट देखो 5 लाख की सेल्स थी, 3 लाख की कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख आ गया। एक्सपेंस 50,000 के थे, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना आ गया, 1.5 लाख निकल आया, ठीक है भाई। तो 2 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 के एक्सपेंस हो गए, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना हो गया मेरे पास? 1.5 लाख का हो गया। अब अगर मैंने इसमें से 50,000 मजीद एक्सपेंस के दे दिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना रह गया 1 लाख का। अब जो टैक्स लगेगा वो इस 1 लाख पे लग रहा होगा, टैक्स पे लगेगा, इस 1 लाख पे लग रहा होगा, तो 1 लाख का 30% कितना निकल आया मेरे पास? 30,000 निकल आया, तो मेरे पास बचा कितना? 70,000। तो देखो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 50,000, इंटरेस्ट कितना था? 50,000, मगर इस इंटरेस्ट की वजह से मेरा 30% टैक्स भी सेव हुआ है। बात समझे? अगर मैं कभी भी बोरोइंग करता हूँ डेट की बेसिस पे, तो उसपे इंटरेस्ट देता हूँ, और उस इंटरेस्ट पे मेरे पास क्या रहता है? क्या रहता है? मेरे पास टैक्स सेव हो रहा होता है, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो पड़ती है उसमें से टैक्स मेरा बच रहा होता है, ठीक है। हम शो कहते हैं कि लेट से हमने कहा केडी, केडी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। तो भाई कॉस्ट ऑफ डेट लेट सपोज मेरा इंटरेस्ट है 10%, कितना इंटरेस्ट है? 10%, बट एक्चुअली 10% मुझे नहीं पड़ रहा होगा, उस 10% पे मुझे 1 माइनस टैक्स भी हो रहा होगा, 1 माइनस टैक्स भी हो रहा होगा। कितना कहा था मैंने? हमने कहा अज्यूम कर लिया कितना था? 10%, तो और टैक्स कितना था मेरे पास? 30%। ठीक है, तो एक्चुअली मैं कितना दे रहा हूंगा? मैं 10% ही दे रहा हूंगा, मैं 7% इंटरेस्ट दे रहा हूँ। जब भी हम क्या करते हैं, डेट फाइनेंसिंग करते हैं, तो डेट के ऊपर क्या होता है, हमारे पास डेट एज अ इंटरेस्ट जाता है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर मेरा टैक्स सेव हो रहा होता है, इंटरेस्ट पे मेरा टैक्स सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो 30% जो था मेरा वो क्या था? टैक्स। अगर मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो उस 10% पे 30% मेरा टैक्स बच रहा होगा, तो एक्चुअली मुझे 10% नहीं पड़ेगा, मुझे कितना पड़ेगा? 7% पड़ रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डेट को जरूर शामिल करें जब भी हम डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो। तो क्या करें? हम डेट को जरूर शामिल करें जब हम फाइनेंसिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि डेट के ऊपर टैक्स सेव हो रहा होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस तो देखो अगर मैंने क्या किया, इक्विटी फाइनेंस की है, तो ये वाले इक्विटी वाले सारी जिंदगी मेरे सर पे बैठे रहेंगे, और मुझे सारी जिंदगी इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है।
जबकि मेरे पास अगर डेट वाले हैं तो डेट जब तक मैं पे नहीं करता सिर्फ ये उस वक्त तक मेरे सर पे मौजूद है, ठीक है। और उसपे भी ये है कि जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है उसके ऊपर भी मुझे टैक्स सेविंग मिल रही होगी, तो एक्चुअली जो मुझे डेट पड़ रहा होगा वो उस रेट पे नहीं पड़ रहा होगा, इंटरेस्ट रेट पे, मुझे टैक्स माइनस करने के बाद पड़ रहा होगा। कितना था? 10% इंटरेस्ट था, मगर 30% अगर मेरा टैक्स रेट चल रहा है तो कितना आ गया इसका, ये निकल आया 7%। तो एक्चुअली जो मुझे पड़ेगा कितना पड़ेगा, 7% मुझे डेट की कॉस्ट पड़ रही होगी। तो इसलिए हम टैक्स सेव करने के लिए भी डेट को यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है हमारे पास, हमारे पास शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयर होते हैं। अब जो ये इक्विटी होती है ये हमारे पास कॉमन, ये क्या होती है कॉमन। कॉमन क्या होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में हमने इशू किए हुए होते हैं, पब्लिक में इशू किए हुए होते हैं, ये कॉमन शेयर हैं। ये शेयर्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे पास किस चीज से, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से, हमारी इनकम से लिंक्ड होते हैं ये। कौन से शेयर्स? कॉमन शेयर। इसी तरह से दूसरे हमारे पास एक और शेयर होते हैं वो कहलाते हैं प्रीफर्ड शेयर्स। अब प्रीफर्ड वाले जो हैं वो इनको हम एक और भी कहते हैं, इनको कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच की चीजें, कॉमन के और डेट के, ये कब तक रहेंगे, ये सारी जिंदगी रहेंगे हमारे सर पे बिल्कुल कॉमन की तरह से। मगर डेट वालों को जैसे इनकम से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट और लॉस हो उनको डिविडेंड देना ही, इंटरेस्ट देना ही देना है। इसी तरह से आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इनको डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी इनकी कर रही होती है एक बिल्कुल किस तरह से, कॉमन की तरह से इनकी लाइफ, और दूसरी प्रॉपर्टी एक कर रही होती है इनके डेट की तरह से, जो कि इनका जो इनको रिटर्न मिलना है, कंफर्म रिटर्न मिलना है, क्लियर है। तो ये हमारे पास इक्विटी है और ये हमारे पास डेट है। तो जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कभी भी फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि दोनों को मिला के चलाएं, दोनों को मिला के चलाएं, ठीक है। दोनों को क्यों मिलाएं? हमें पता है डेट के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, और इंटरेस्ट की वजह से हमारे पास क्या होगा, टैक्स सेव होगा, और ये रहेंगे भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो भाई हम सिर्फ डेट से फाइनेंस क्यों ना करें, इक्विटी को बीच में क्यों लेके आए? जैसे जैसे मैं डेट पे जाता हूँ, जैसे जैसे मैं डेट पे जाता हूँ, वैसे वैसे मैं क्या होता हूँ, मैं रिस्कियर होता जाता हूँ। देखो जैसे जैसे मैं डेट पे जाऊंगा मैं रिस्कियर होता जाऊंगा। मेरे पास डेट, सपोज अभी मुझ पे कोई डेट नहीं है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। जैसे जैसे मैं क्या 10% फाइनेंसिंग की डेट से, तो इंटरेस्ट मुझे देना है 10% का। मैंने क्या किया, मैंने डेट और बढ़ा ली, 20% कर लिया, 30% कर लिया। जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा मैं रिस्कियर होता जाऊंगा। जब मुझ पे कोई डेट नहीं था तो हर बंदा मुझे इजीली उधार देने को तैयार था, मगर मैं जैसे जैसे रिस्कियर होता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से उधार है, मेरे ऊपर पहले से उधार है, तो मैं पहले किसका चुकाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता जाता हूँ मैं रिस्कियर होता जाता हूँ, और जितना ज्यादा रिस्कियर होगा तो मुझे लोग देने से रुकेंगे, वो लोग मुझे नहीं दे रहे होंगे। जितना रिस्कियर होगा हायर रिस्क हायर रिटर्न, जितना रिस्कियर होगा तो मुझे उतना ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। परसेंट में आया, बिल्कुल यस इनिशियली सर। इंटरेस्ट मेरा 10% है, मगर जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता जाऊंगा, डेट फाइनेंसिंग करता जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। क्यों? मैं रिस्कियर होता जा रहा हूँ, एक तो मुझे मिलना भी कम हो जाएगा और महंगा भी होना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक कहता है फंक्शन लेके आया और मेरे पास कोई डेट नहीं है, बैंक मुझे दे देगा। मगर अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ और मेरा ऑलरेडी 40% फाइनेंस डेट से हुआ है, तो कहेगा भाई आप क्या लेना चाह रहे हो, पे कैसे करोगे, तुम्हारे तो पास ऑलरेडी इतना लोन चढ़ा हुआ है, समझे। तो मुझे लोन मिलना भी कम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और जो लोन देगा भी वो हायर कॉस्ट पे देगा मुझे। तो ये जो नजर आ रहा है फिर ये नहीं रहेगा, ये रिवाइज हो जाएगा। तो हम अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि देखो जितना डेट बढ़ता है हम बैंक्रप्सी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, उस कॉस्ट से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं कि पूरा का पूरा डेट से ना करो, ठीक है कुछ पार्ट इसमें इक्विटी का भी शामिल कर दूं। इससे ये होता है कि हमें पूरा सही सर, डेट फाइनेंसिंग नहीं करनी पड़ती, डेट भी कम रहता है, उससे हमारी कॉस्ट सेव हो रही होती है, और बाकी कुछ हमारे पास इक्विटीज फाइनेंसिंग हो रही होती है। हम कहते हैं वेट, क्या कहते हैं, वेटेड
एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कहलाता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये वैक का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं कि भाई हमने जो भी कॉस्ट पड़ रही है उसका एवरेज कॉस्ट क्या पड़ रही है। लेट सपोज हमारे पास केडीए, केडीए मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। केडीए का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। लेट सपोज वो है कॉस्ट ऑफ 10%, डेट, अगर मैं बोरोइंग करता हूं तो वो मुझे पड़ेगा 10% इंटरेस्ट पे। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मैं शेयर्स इश्यू करता हूँ तो जो शेयर होल्डर है वो मुझसे मांगेगा लेट सपोज के 15%। उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है कि भाई 15% तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, टैक्स रेट अज्यूम कर लेते, वो चल रहा है हमारे पास 30%। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं भाई हमारे पास अभी डेट और इक्विटी कितनी है। हमने कहा भाई ठीक है, हम किस तरह फाइनेंस कर रहे हैं, हम फाइनेंस कर रहे हैं 20% डेट फाइनेंसिंग है। 20 हम करते हैं, इसको करते हैं 40 कर लेते हैं। 40% हमारे पास क्या है, डेट फाइनेंसिंग है। ठीक है, और हमारे पास 60% इक्विटी फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो हमें टोटल एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी। ठीक है, क्या करेंगे, वह आ जाएगा हमारे पास केडी इंटू क्या हो गया, 1 माइनस टी टैक्स रेट है। ठीक है, प्लस क्या हमारे पास ई। ठीक है, ये आ गई, मगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है वेटेड एवरेज। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। तो भाई कितना परसेंट हमारे पास फाइनेंस हुआ है डेट से, ये हमारे पास फाइनेंस हुआ है 40%। ठीक है, तो हमने कहा इसका वेटेज ऑफ डेट, और ये आ गया हमारे पास वेटेज ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो भाई हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, वो आ रहा है हमारे पास 10%। इस 10% के ऊपर मेरा टैक्स सेव हो रहा है 30%, 30%। और क्या हो रहा है मेरे पास, और क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कितना है मेरे पास, कितना है वेटेज, कितना है इसका, 15% है। ला रहे ला रहे ला रहे, और हमारे पास कितना है हमारे पास इसका वेटेज, इसका वेटेज है हमारे पास 40%। 40% है। क्या हो गया, ये जीरो की मारा 40%। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल आएगा कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आएगी पूरी की पूरी। इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो दोबारा से। हमने क्या निकाला पहले, कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है। हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास अगर हम एक्सक्यूज मी बोरोइंग सर, करते हैं तो बोरोइंग का रेट कितना है, हमने कहा भाई 10% रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, हमने कहा भाई अगर हम बोरोइंग करते हैं इसके ऊपर हमारे पास टैक्स सेव हो रहा होगा। टैक्स कितना सेव होगा, 30% टैक्स सेव होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 30% से। ठीक है, और ये कितना है, हमने कहा वेटेज कितना है, हमने कहा भाई 40% डेट फाइनेंसिंग है, तो हमने कहा 40% से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इक्विटी पर रहेंगे, डब्ल्यू वेटेज, ये जो W और D है, हाँ वेटेज वेटेज, ऑफ तो ये डेट, किसको शो कर रहा है? वेटेज ऑफ डेट के डेट ओके कितना सर, है, मतलब डेब फाइनेंसिंग को। डेट फाइनेंस को। ठीक है, के ई का मतलब ओके क्या है, सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15%, सही सर। और कितने से वेटेज है, इसका वेटेज है हमारे पास 60%। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास निकल के आएगा कि भाई हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी है। बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है कि
जो दोनों से फाइनेंसिंग कर रहा हूं, तो उसको फाइनेंसिंग करने के बाद मेरी कॉस्ट क्या पड़ रही है ऑन एवरेज कॉस्ट। देखो डेट की कॉस्ट कितनी है 10%, इक्विटी कॉस्ट कितनी है 15%। तो अगर मैं वेटेज निकालूंगा तो वो इन दोनों के बीच में कहीं निकल रहा होगा, ठीक है। मगर मुझे पता है कि डेट के ऊपर मेरा मजीद 30% भी सेव हो रहा है, तो अब ये कुछ ना कुछ 77% से लेके 15% के दरमियान कहीं पे निकल रहा होगा। बट कितना निकल रहा होगा ये वेटेज है। अगर मैं सिर्फ डेट से फाइनेंसिंग करूंगा, सिर्फ डेट से फाइनेंसिंग करूंगा, तो कितना आएगा, 10% मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 100% सिर्फ डेट से फाइनेंसिंग हुई है। अगर मैं सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस करूंगा तो क्या आएगा, 15% मल्टीप्लाई बाय 100%। समझे? देखो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि सिर्फ सर और सिर्फ डेट से फाइनेंसिंग हुई है, सिर्फ किससे फाइनेंसिंग हुई है, डेट से हुई है, तो कितना आ रहा होगा, 10% मेरा डेट था, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितनी आ रही है, 10%। इसकी वजह से मेरा टैक्स इतना सेव होगा, कितना होगा मेरे पास, 30% मेरा टैक्स सेव हो रहा होगा, ठीक है। मगर फाइनेंसिंग कितनी कर रहा हूँ मैं, 100% फाइनेंसिंग इससे कर रहा हूँ। अगर इससे निकालूंगा तो मेरे पास कितना निकल आएगा, कितना निकलेगा, तो टोटल मेरा डेट निकलेगा 7% का, निकलेगा मेरा 7% निकलेगा। 7%, अगर मैं जी पूरी की पूरी इक्विटी से फाइनेंस कर रहा हूँ तो कितना इक्विटी का, 15% कॉस्ट थी मेरी, और कितना 100% मैं इस पे फाइनेंस कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा 15% निकल आएगा, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या बैठेगी मेरी, 7%, मैक्सिमम कॉस्ट क्या बैठेगी मेरी, 15%। मगर अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कॉस्ट मेरी इन दोनों के बीच में रहेगी, 7 और 15 के बीच में कहीं आ रहा होगा मेरा वैक। तो वैक पे मैं जा क्यों रहा हूं, अपने आप को बैंकरप्सी से बचाने के लिए वैक पे जा रहा हूं। अपने आप को देखो, बाजाहिर तो मेरे पास 7% आ रहा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं ये चूज करूं। मगर जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा मेरे लिए ये रिस्कियर होता जाएगा। तो अपने आप को इस रिस्क से सेव करने के लिए, रिस्कियर का मतलब क्या है, मैं बैंकरप्सी से जाना शुरू कर दूंगा, और जो 100% है वो मुझे 10% पे नहीं मिलेगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इक्विटी को भी शामिल कर लेता हूँ। तो इन दोनों को मिला के बीच में कहीं निकल रहा होगा मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रहा होगा। क्लियर है? अपनी कॉस्ट को, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉस्ट रिडक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, कॉस्ट रिडक्शन। तो हमें क्या करना है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमें तमाम तरह के ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है फाइनेंसिंग के लिए। तो हम इन सबको मिला के चला रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास था कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि पहला हमारा ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं ऑब्जेक्टिव है, वो क्या था कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो मैं ऑप्शन नहीं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, क्या था बेटी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। ऑब्जेक्टिव दूसरा। देखो एक तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फंड्स की मैनेजमेंट। दूसरा फंड्स की मैनेजमेंट है सर, फंड्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या था, फंड्स की मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट। फंड्स मैनेजमेंट में क्या मतलब है हमारा, इसके अंदर हमारे पास हाउ टू मैनेज फंड्स, कैश मैनेजमेंट भी सीमा रहता है, ठीक है। फिर डेट मैनेजमेंट या रिसीवेबल की मैनेजमेंट भी सीमा रहता है, ठीक है। इसी तरह से और क्या होता है, इन्वेंटरी की मैनेजमेंट भी इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, हमारे पास एग्जिस्टिंग फंड्स को मैनेज करना। देखो कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कैश या फंड्स कितने अवेलेबल हैं उसको मैनेज करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि फंड्स की शॉर्टेज हो जाए या फंड्स सरप्लस पड़े रहे। इसी तरह से रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि भाई हमारे पास रिसीवेबल है, हमें रिसीव करना है, अब भाई हम क्या करें। रिसीवेबल का मतलब ये है कि भाई मैंने जो जो क्रेडिट टर्म दिया है वो दिया है, लेट सपोज के 45 डेज का। अगर मैं 45 डेज देता हूं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन
अगले दिन पे कर देगा, कोई मार्जिन रखते हैं। कोई भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा पूरी का पूरा इसको अवेल करेंगे, ठीक है। तो जी देखो अगर फर्ज करो मुझे ये आज ही रिसीव हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, समझे। जी मैं 1.5 महीने तक वेट करूं कि मेरे पास फंड्स आए, या मैं क्या करूं आज ही फंड्स लेके और उसको इन्वेस्ट कर दूं 1.5 महीने तक के लिए, पॉसिबिलिटीज है दोनों। प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई आज क्यों देगा, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम करते क्या है, हम दो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे होते हैं। एक तो होता है हमारे पास डिस्काउंट, हम डिस्काउंट देते हैं भाई, जिसने हमें अर्ली पेमेंट कर दी 5 दिन में 3 दिन में पेमेंट कर दी उसको मजीद 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फैक्टरिंग, फैक्टरिंग होता है हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को बेच देते हैं थर्ड पार्टी को, हमें पेमेंट कर दो आप खुद जाके कलेक्ट करते रहना, ठीक है। तो ये दो मेथड यूज हो रहे होते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से हमारे पास होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री कितनी हमें होल्ड करनी चाहिए,